सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से एन की कक्षा छठी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ समुद्र तटाह को पढ़ेंगे पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो आइए शुरू करते हैं समुद्र तट ऐसा समुद्र तट यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह समुद्र का तट है अत्र जना यहाँ लोग पर्यटनाय आगछंती घूमने के लिए आते हैं केचन कुछ लोग तरंगई क्रीड़ती तरंगों के साथ खेलते हैं केचन कुछ लोग नौका का भी नावों के द्वारा जल विहारम कु जल में बिहार करते हैं अर्थात जल क्रीड़ा करते हैं तेसु उनमें से केचन कंदुकेन क्रीडंती कुछ लोग कंदुकेन गेंद से क्रीडंती खेलते हैं बालिका बालका च लड़के और लड़कियां बालू का भी बालू के द्वारा बालू का गृह रचयंती बालू का घर बनाते हैं आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार का समुद्र के तट पर बच्चे बालू का घर बनाते हैं मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा हा। तरंगों के द्वारा बालू का गृह प्रवाहयती बालू का घर बहा लिया जाता है ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एवो। इस प्रकार का खेल समुद्र के तट पर चलता है समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि समुद्रों का तट न केवल पर्यटन पर्यटन स्थानानि सिर्फ़ घूमने के लिए पर्यटकों के लिए ही नहीं है अभी यहाँ अहाँ मत्स्यजीवि अभी स्वजीविका चालय चालयती मत्स्यजीवि अर्थात मछुआरे स्वजीविका अपनी जीविका चालयंती चलाते हैं अस्माक देशे हमारे देश में बहुवाह समुद्र तटा सी बहुत सारे समुद्र के तट हैं एक उनमें से मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाह अतीव प्रसिद्ध ये सारे समुद्र के तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं गोवा तट विदेशी पर्यटक के भा सम रोचते जो गोवा का समुद्री तट है विदेशी पर्यटकों के द्वारा सबसे अधिक सम रोचते अर्थात सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापार आय प्रसिद्ध है और जो विशाखापट्टनम का जो समुद्री तट है वैदेशिक व्यापार आय अर्थात विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है कोची तट कोची का तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञाते नारियल के फल के लिए जाना जाता है मुंबई नगर से जूहू तटे सर्वे जना स्म बिहर मुंबई नगर के जूहू तट में सर्वे जना सभी लोग स्वैर बिहरती अर्थात स्वेच्छा के अनुसार घूमते रहते हैं चेन्नई नगर से चेन्नई नगर का मेरीना तट हा, मेरीना तट देशगरतटेसु दीर्घतम देश के सभी समुद्र तटों में सबसे बड़ा है भारत से दिशासु दिशा समुद्रतटा सी भारत अर्थात भारत के त्रिशिषु दिशा तीन दिशाओं में समुद्र तटा सी समुद्र के तट हैं एव कारणात इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं पूर्व दिशायां पूर्व दिशा में बंगोपसागर है बंगाल की खाड़ी दक्षिण दिशायां दक्षिण दिशा में हिंद महासागर हिंद महासागर पश्चिम दिशायाम च और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति अरब सागर है अर्थात भारत देश के तीन तरफ समुद्र के तट हैं जिसके कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है अपि सागरा संगमः कन्याकुमारी तटे भवति इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे बहुत कन्याकुमारी के तट में होता है अर्थात ये तीनों सागर कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं अत्र यहाँ पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्त युगपदेव दृष्टुम शक्यते यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा का उदय सूर्यास्त और सूर्य का अस्त होना युगपदेव दृष्टुम शकते एक साथ देखा जा सकता है तो बच्चों आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं समुद्र तट समुद्र का किनारा पर्यटनाय घूमने के लिए तरंगई लहरों से नौका भी ही, नौकाओं के द्वारा जल विहारम जल क्रीड़ा बालू का भी बालुओं से बालू का गृह बालू का घर मध्य मध्य बीच बीच में प्रवाह जंती धो देते हैं अथवा बहा देते हैं प्रचलित एव चलती ही रहती है पर्यटन स्थानी घूमने की जगह मत्स्य मछुआरे जीविका अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं अतीव बहुत अधिक स्वयरम बेरोक यथा इच्छा बिहरती घूमते हैं अथवा टहलते हैं दीर्घतम सबसे लंबा प्रायदीप तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग संगम मिलन युग वो एक ही साथ दृष्टुम शक्यते ना देखा जा सकता है तो बच्चों इस प्रकार हमारा कक्षा छठी का समुद्र तट पाठ पूरा होता है आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें